हाल ही में मेटर्निटी बेनिफिट लॉ में हुए बदलाव से 2019 तक 18 लाख से ज़्यादा महिलाओं की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। एक सर्वे में इसकी तरफ इशारा किया गया है, देखिए रिपोर्ट। महिलाओं के लिए बनाए गए मैटरनिटी लॉ में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए थे। सरकार ने प्रेगनेंसी के दौरान मिलने वाली 12 हफ्तों की छुट्टी को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था। सरकार के इस फैसले से भारत की गिनती भी कनाडा और नॉर्वे जैसे महिलाओं के लिए प्रगतिशील देशों में की जा रही थी, पर हाल ही में स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स की कंपनी टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड ने एक सर्वे किया जिसमें सामने आया कि इस फैसले का जितना सकारात्मक प्रभाव है उससे कहीं ज्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव है। टीम लीज के सर्वे का कहना है कि भारत में 18 लाख से ज्यादा महिलाओं की नौकरी मार्च 2019 तक खतरे में आ सकती है। इस सर्वे में भारत में महिलाओं के घटते वर्कफोर्स का भी जिक्र किया गया है। साल 2016 में देश में 37% महिलाएं नौकरी और कामकाज से जुड़ी थीं, जो कि अब घटकर सिर्फ 27% रह गई हैं। ये सर्वे एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सभी तरह की आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, रियल एस्टेट, एजुकेशन, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, बीपीओस और टूरिज्म में काम कर रही 300 से ज्यादा कंपनियों में किया गया। जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक करीब 24 लाख महिलाएं अलग अलग कारणों से अपनी नौकरी छोड़ चुकी हैं, जबकि देश में हर साल लगभग 55 लाख महिलाएं नौकरी में आती हैं। मैटरनिटी लीव सबसे कम ब्राजील और साउथ अफ्रीका में दी जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पैमानों के हिसाब से पेड मैटरनिटी लीव 14 वीक्स यानी 98 दिन की दी जानी चाहिए, लेकिन WHO के मुताबिक ये लीव 24 वीक्स यानी 168 दिन की होनी चाहिए। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।